टायटन मेडिसिटी हॉस्पिटलने लॉन्च केली गुडघ्यांच्या सर्जरीसाठी रोबोटिक मशीन. घोडबंदर रोड येथील टायटन मेडिसिटी या हॉस्पिटलने गुडघ्यांच्या ऑपरेशनसाठी आता नवीन रोबोटिक मशीन आणली आहे. ही मशीन अतिशय अद्ययावत असून गुडघ्यातील लेगामेंट किंवा कुठल्याही टिश्यूची काटछाट न करता ते बाजूला करून हे ऑपरेशन केलं जातं आणि नवीन वाट्या बसवल्या जातात. इतर मॅन्युअल ऑपरेशनमध्ये पेशंटचे ऑपरेशन केल्यानंतर 7 ते 8 दिवस त्यांना हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट राहायला लागतं. त्यानंतर महिन्याभरानंतर त्यांना हळूहळू चालता येते. पण या रोबोटिक मशीनमुळे पेशंट दुसऱ्या दिवशीच व्यवस्थित चालू शकतो असे स्पेशालिस्ट डॉक्टर बकुल अरोरा यांनी सांगितले. टायटन मेडिसिटी हॉस्पिटलमध्ये आणलेली ही मशीन म्हणजे ज्यांना गुडघ्यांचा आजार आहे त्यांच्या वाट्या बदलायच्या असतील त्यांच्यासाठी वरदानच आहे. त्यामुळे हॉस्पिटलच्या डॉक्टर्सनी या मशीनचे नाव विघ्नहर्ता असे ठेवले आहे. ही मशीन ठाण्यातच नव्हे तर भारतात प्रथमच कासारवडवली येथील टायटन मेडिसिटी हॉस्पिटलमध्ये उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे मुंबई, ठाणे आणि आजूबाजूच्या शहरात या संबंधित आजार असलेले पेशंट वेदनाविरहित ऑपरेशन मशीनद्वारे करू शकतात. या हॉस्पिटलचे डायरेक्टर अब्रार खान यांनी लोकांना आवाहन केले आहे की गुडघ्याच्या संबंधित आजार असलेल्या व्यक्तींनी याबाबत उपचार करून घ्यावेत आणि आनंदी जीवन जगावे. सभी को ये इंडिया में पहली बार है कि हमने रोबोटिक टेक्नोलॉजी और मिनी इन्वेसिव टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पर अभी इंट्रोड्यूस किया है. सो टाइटन मेडिसिटी एंड माई सेल्फ डॉक्टर बकुल अरोरा हमने ये स्टेप उठाया है नंबर वन टू बेनिफिट सोसाइटी, यानी कि सारी पब्लिक को, सारे सोसाइटी मेम्बर्स को, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स को. काफ़ी डर लगता है नी रिप्लेसमेंट. काफ़ी मरीज़ हैं जिनको नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है. वो काफ़ी घुटनों के दर्द से पीड़ित हैं लेकिन ऑपरेशन करने से डरते हैं क्योंकि समाज में उन्होंने कहीं ना कहीं नेगेटिव रिव्यूज सुने हैं. काफ़ी लोगों का सुना है कि ऑपरेशन के बाद बहुत दर्द होता है, काफ़ी पीड़ा होती है, चलने में दिक्कत होती है, जो अंदर नया घुटना बिठाते हैं वो जल्दी फेल हो जाता है. तो ये सारी प्रॉब्लम्स की समस्या ये रोबोटिक टेक्नोलॉजी हमें देता है. इसलिए हमने ये रोबोट का नाम रखा है विघ्नहर्ता. सो ये एक फुल्ली ऑटोमेटिक रोबोटिक सिस्टम है जो सीटी स्कैन के ऊपर बेस्ड है. सो पेशेंट्स, मरीज का पहले हम लोग सीटी स्कैन करते हैं जिसमें घुटनों का पूरा चिट्टा बिट्टा हमें पता चल जाता है कि कितनी डिफॉर्मिटी है, कितनी बोन डेंसिटी है, सारी डिटेल्स हमें पता चल जाते हैं. और ये रोबोट जो एक 3D मॉडल बनाता है और इस 3D मॉडल के ऊपर हम लोग सर्जरी पूरा प्लानिंग करते हैं, कितना मिलीमीटर बोन कट करना है, कितना एक्यूरेसी देना है, कितना नी बेंडिंग आएगा, सारी चीज़ें हमें सीटी स्कैन के ये मॉडल के ऊपर हमें पता चल जाती हैं. और इसका जो रोबोटिक का जो कटिंग टूल है वो सब मिलीमीटर एक्यूरेसी, यानी कि 1 मिलीमीटर से कम की एक्यूरेसी भी दे सकता है. यानी कि इट इज़ वेरी प्रिसाइज, वेरी एक्यूरेट. सो इसका जो कटिंग टूल है वो एक्यूरेटली बोन को कट करता है. और जब बोन कटिंग एक्यूरेट होती है तो इम्प्लांट का फिट काफ़ी एक्यूरेट मिलता है. इस टेक्नोलॉजी में घुटनों की मांसपेशियां और घुटनों की लिगामेंट्स बिल्कुल कट नहीं होते. सो जिससे पेशेंट्स की रिकवरी भी काफ़ी फास्ट होती है. यानी कि 3 से 6 घंटे के बाद पेशेंट्स चलना शुरू कर सकते हैं, अगले दिन सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना शुरू करते हैं और आमतौर पर 3रे दिन में हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है. सो ये टेक्नोलॉजी काफ़ी लाभदायक है, काफ़ी बेनिफिशियल है. इसमें ब्लड लॉस भी ना के बराबर होता है, मतलब मिनिमल ब्लड लॉस. सो जिससे शरीर का हीमोग्लोबिन भी ज़्यादा ड्रॉप नहीं होता, रिकवरी बहुत फास्ट होती है. मांसपेशियां जब कट करके ऑपरेशन करते थे तभी सारी प्रॉब्लम्स होती थी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स अभी इस टेक्नोलॉजी में हम बाईपास कर लेते हैं. सो ये हमारे लिए एक तरह से वरदान है. थाना में नहीं, मुंबई में नहीं, इंडिया में पहली बार ये कॉम्बिनेशन से हमने सर्जरीज की हैं. तो इसका बेनिफिट सारे थानेकर, सारे मुंबईकर्स को डेफिनेटली मिलेगा. 100% एक्यूरेसी मिलती है सर्जरी की, जो रिजल्ट है 100% एक्यूरेसी मिलती है. वी हैव ऑपरेटेड ऑलमोस्ट 25 to 30 सर्जरीज इन द लास्ट 15 डेज एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि एवरी मंथ वी विल बी ऑपरेटिंग मोर देन 150 to 200 सर्जरीज. कॉस्ट का ज़्यादा कॉस्ट, ये एक मिथ है कि कॉस्ट ज़्यादा रहेगा. ऑनेस्टली दिस इज कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि अगर एक्यूरेसी बढ़ रही है, प्रिसीशन बढ़ रहा है, पेशेंट्स को, मरीज को आगे चल के कोई दोबारा ऑपरेशन करना, उसको वापस से ठीक करने की आवश्यकता नहीं है. सो इन द लॉन्ग रन कॉस्ट
कम होता है, बढ़ता नहीं। डबल टेक्निक में मांसपेशियां को कट करना पड़ता है और जो बोन की कटिंग करते हैं वो सर्जन खुद हाथ से कट करता है, तो इससे काफ़ी हद तक सर्जन का एक्सपीरियंस लेवल, सर्जन का एक्सपर्टीज और सर्जन का एक मनोस्थिति कि किस मनोस्थिति में ऑपरेट कर रहा है, ये काफ़ी चीज़ें निर्भर करता है। तो जैसे मैंने अगर हमने कैलकुलेट किया कि हमें 5.3 मिलीमीटर बोन कट करना है, तो अगर हम कम कट करेंगे तो मरीज़ को काफ़ी टाइटनेस फील होगी, घुटने के अंदर काफ़ी टाइट महसूस होगा। अगर हम ज़्यादा कट कर देंगे, 5.3 मिलीमीटर की जगह 5.5 या 6 मिलीमीटर कट हो गया, तो मरीज़ को ऐसा लगेगा कि घुटना लूज हो गया। तो ये रोबोटिक टेक्नोलॉजी में एक्यूरेसी मिलती है, 5.3 मिलीमीटर मतलब 5.3 मिलीमीटर ही कट करेगा, ना ज़्यादा ना कम। सो इसमें एक्यूरेसी, पेशेंट को एक नेचुरल फील आएगा कि लगेगा नहीं कि नया घुटना बिठा है, एक नेचुरल फीलिंग आएगी कि हाँ ऐसा जैसे ओरिजिनल घुटना होता था वैसा ही फीलिंग आएगा, क्योंकि एक्यूरेसी मिलेगी। सो ये मेन बेनिफिट है। प्लस मांसपेशियां कट नहीं होती तो रिकवरी भी फास्ट होती है, ब्लड लॉस ना के बराबर, फिजियोथेरेपी की ऑपरेशन के बाद ज़रूरत नहीं पड़ती, सो जो मैनुअल टेक्निक में पड़ती है, उनके अगले दिन से ही सीढ़ी चढ़ना उतरना शुरू कर सकते हैं। तो आमतौर पर 6 से 8 घंटे मतलब 3 से 6 घंटे के अंदर मरीज को चलाते हैं ऑन द सेम डे ऑफ सर्जरी। रोबोटिक टेक्नोलॉजी में सेम डे चलाते हैं, नेक्स्ट डे सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना शुरू करते हैं और तीसरे दिन मरीज घर जा सकते हैं। जबकि मैनुअल टेक्निक में कम से कम 5 या 6 दिन और मरीज को एडमिट रखना पड़ता है, उसमें खून भी ज़्यादा बहता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता पड़ती है, घर पे फिजियोथेरेपी लगती है 3 से 6 महीने तक, तब जाके मरीज सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना शुरू करते हैं। सो रिकवरी जो है वो कई बार 3 से 6 महीने लग जाते हैं, जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी 3 दिन के अंदर वो रिकवरी आपको दे देता है। आता जैसा है आमचा जे आहे टार्गेट की जे सर्जरीसाठी लोकांना मुंबईला जावं लागतं की मुंबईच्या बाहेर बँगलोर आणि अदर कंट्रीमध्ये जावं लागतं, ते सगळं ठाण्यामध्ये अवेलेबल झालं पाहिजे। त्यासाठी आम्ही 3 दिवसपूर्वी एक सर्जरी इथे केलं, ते कार्डियक डिवाइस इम्प्लांटेशन, ते सगळे इंडियामध्ये 3rd सर्जरी होती जी आपल्या हॉस्पिटलमध्ये झाली। आता पूर्ण मुंबईमध्ये एकदाही ते ऑपरेशन नाही झालं, कार्डियक डिवाइस इम्प्लांटेशन ते सर्जरी आपल्या हॉस्पिटलमध्ये 2 दिवसपूर्वी झाली। त्याची डिटेल आता पेशंट डिस्चार्ज झाल्यानंतर तुम्हाला मी देणार आहो। दॅट इज अ व्हेरी गुड थिंग, अ व्हेरी बिग थिंग फॉर द ठाणेकर, आपल्या ठाण्याच्या हॉस्पिटलमध्ये असंच आम्ही इथे थोड्या दिवसामध्ये 5-6 महिन्यामध्ये कार्टीसेल थेरापी म्हणून कॅन्सरची थेरापी आहे ते इथे लॉन्च करणार आहे। बरेच अपकमिंग ट्रीटमेंट आहे, ॲडव्हान्स ट्रीटमेंट आहे, ज्याच्या लोकांना लाभ भेटला पाहिजे, त्या आता तुम्हाला टायटन बेडशीट हॉस्पिटल बघायला भेटेल।